बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हसबे रिवायत आप सब मिलकर मेरे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। दोस्तों आज एक बहुत अहम पैगाम है, बहुत अहम पैगाम है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने दिया कि मैसेज अपने तमाम दोस्तों को दें, जितने भी हम माशाल्लाह इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब इस पे अमल भी कीजिएगा, ठीक है ना। उनके ये लाहौर से मैसेज है, जोहर टाउन से। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में डेंगू के 8-10 बंदे बीमार हुए हैं काफ़ी, और मेरी वालदा को भी डेंगू बुखार हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि शाम के टाइम, मगरब के टाइम खुडे में ना जाएं, ताकि मच्छर जो अटैक जो करता है ना, मगरब के टाइम करता है या सुबह फजर के टाइम जब रोशनी होने लगती है या रोशनी ख़त्म होने लगती है, जब दो टाइम जो ना मच्छर अटैक करता है। तो मेरी भी आपसे ये गुजारिश है कि डेंगू से बचें आप, ठीक है। डेंगू बहुत गंदी बीमारी है, और दोस्तों को भी बताएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं डेंगू के हवाले से। ये खास मैसेज था। और कुछ दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि उस्ताद जी आप अपने कबूतरों को क्या मेडिसिन देते हैं, कैसे आप उनकी केयर करते हैं। तो मैं मेडिसिन के लिए ये मैं लेकर आया हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैं ये मैं ना ये मैसी इसे सबसे ज़्यादा मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, एंड्रोकोली। बहुत अच्छा सिरप है, ये सिरप है, ये बहुत अच्छा सिरप है, और ये कबूतरों को माशाल्लाह बहुत फिट रखता है। मैंने काफ़ी सारे ये देखे ना इंजेक्शन भी रखे हैं, हर तरह की मेडिसिन देसी भी है, हर तरह के सिरप, फ्लैजल, जेटी पार, हर तरह के इंजेक्शन है। ये देखे सैनोकोब, इधर डेक्सा भी होगा, सारे इंजेक्शन इधर हैं, टेलोफिन, ठीक है। ये अभी मैं नया लेकर आया, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये जो है ना इसके लिए, ये सर्दियों में कबूतरों को पानी कम पीते हैं, तो कबूतरों की पानी की कमी पूरा करने के लिए ये भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अभी करूँगा तो इसका तजर्बा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा इसमें है। ये हर दोस्त को मैं यही कहूँगा कि ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ये, ठीक है ना, ये महीने में 2 मरतबा ये इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद ये बीटा सुपर गोल्ड पाउडर मैं निकाल के ना, वो पैकेट, इसका पैकेट होता है, मैंने डिब्बे में डाल दिया, ताकि इसमें से पेमाइश एक चम्मच छोटी सी साथ रख ली है, तो उसे ये मैं डाल देता हूँ। शाम को ये दे दिया, सुबह ये रख दिया, या शाम को दाने के टाइम ये रख दिया, तो और सुबह ये आपने छोड़ना नहीं है। ये आपने हफ्ते में 5 दिन लाजमी कबूतरों को पिलाना है रेगुलर। इससे कबूतर माशाल्लाह सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, इससे वायरस नहीं आता, कबूतर माशाल्लाह फिट रहते हैं। और दोस्त, और ये आप सर्दी आ गई है, सर्दी में ये पंखा जो दोस्त लेना भी चाहे तो मिल भी जाएगा, जैसे यहाँ अपने शहर से किसी जगह से भी ले लें, ये मिल जाता है आसानी से। ये पंखा हीटर फैन, ये 400 वाट का है, ये जो माशाल्लाह ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते छोटे खुडों के लिए, सर्दी में ये लगा दें, इससे मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि खुडे का रिजल्ट रहता है, कबूतर गर्म रहते हैं। इसके ऊपर टाइमर भी है, ये देखें आप लगा दें, टाइमर लगा दें कि 1 घंटे के बाद ये बंद हो जाए खुद बा खुद, तो ये 1 घंटा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, दोबारा खुडे में नहीं जाना पड़ेगा। इससे इसकी स्पीड ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, ठीक है ना। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है खुडे में जो ना, माशाल्लाह परिंदों के लिए, परिंदे सेहतमंद रहेंगे, खुडा सूखा रहता है उसके लिए, बहुत अच्छा है। ये आपके आपके शहर से भी मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं इधर से मेरे जानने वाले वो सेल करते हैं, मैं उनसे दे दूँगा, या नंबर आपको दे दूँगा उनका। ये हीटर फैन है इसके लिए, ये सर्दियों की तैयारी मुकम्मल है। बाकी दोस्तों और कोई नई बात नहीं है, खास करके डेंगू के हवाले से था कि डेंगू से, ये तो बड़ी अच्छी बात की भाई ने कि डेंगू से बचें, मगरब के टाइम खास करके मच्छर अटैक करता है, और जो सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम, तो इससे आपने डेंगू से बचाव के लिए क्या करना है, डेंगू से बचाव के लिए मगरब के टाइम आप सॉक्स पहन लें, अपनी जराबें पहन लें, ठीक है ना, या लोशन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोशन का इस्तेमाल करें, या सॉक्स वगैरह पहन लें, ग्लव्स पहन लें। इस 2 टाइमों में आपने बचना है मच्छर से। परिंदों का भी खास ख्याल रखें, इन्हें भी मच्छर से बचाएं, इनकी रात को इनके बर्तन खाली करके सोया करें, एक्स्ट्रा पानी ना रहने दें, अपने दाएं बाएं गमलों में देखें, एक्स्ट्रा पानी ना रहने दें। डेंगू की जहां से पैदावार बढ़ती है, आपने उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है ना। पानी पर खास करके ये इनकी पैदावार बढ़ती है, पानी के बर्तन, फालतू पानी का बर्तन ना भरा हो, परिंदों ने पानी पी लिया तो वो बर्तन खाली करके रखें, ठीक है ना, और खुद भी बचें। और इनके लिए मच्छर के लिए कोई मतलब जलेबी वगैरह कोई जो भी आप लगा सकते हैं आसानी से, वो लगा दें इनके लिए, ताकि कबूतर भी मच्छर से सेफ रहे। बाकी दोस्तों की नई
मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे, खुदा हाफिज़।